साइबर सिटी गुरुग्राम में बीजेपी कार्यालय को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सिलोखरा गांव की पंचायती जमीन पर अपना कार्यालय बनाना चाहती है, तो वहीं ग्रामीण इस जमीन पर कम्युनिटी सेंटर और पार्क स्कूल बनाने पर आमादा है। सिलोखरा गांव की करीब एक एकड़ पंचायती जमीन को हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बीजेपी को जिला कार्यालय बनाने के लिए दिया है। इस मामले को लेकर आज महापंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर व पूर्व मंत्री कैप्टन अजय पहुंचे। वहीं अशोक तंवर ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी कार्यालय के नाम पर ग्रामीणों की जमीन हड़पना चाहती है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भूमाफियाओं के साथ मिलकर के, अधिकारियों के साथ मिलकर के, करप्ट जो नेता है, भ्रष्ट जो नेता है, उनके साथ मिलकर के उस पर काबिज होना चाहती है। कई उन्होंने ऐसे काम किए हैं, चाहे वो फतेहपुर झालसा गांव को उजाड़ने का मामला हो, ग्वालपाड़ी का मामला हो, मेट्रो का रूट बदलना हो, और अब ये ताज़ा जो सिलोखरा का मामला आया है, ये उसी नेक्सस की तरफ संकेत करता है। ये तीन गांव हैं और इनके साथ है झाड़सा, सिलोखरा और आपका सैनीखेड़ा और हरिजन कॉलोनी। इन चारों गांवों पे इनका भारतीय जनता पार्टी का हमला है और ये करोड़ों रुपए का घोटाला है। इस महापंचायत में 360 गांव के चौधरी महेंद्र सिंह ठाकुरान स्वीकृत करने पहुंचे, जिसमें सबकी सहमति से आगे की रणनीति तय की गई और सरकार को मांग न मानने की सूरत में बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। आपको बता दें कि इस गांव की 12 एकड़ जमीन को अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बीजेपी ऑफिस बनाने के लिए अलॉट कर दी है, जिसका सिलोखरा गांव के ग्रामीण शुरू से विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि गांव की जमीन गांव के विकास के कार्य में इस्तेमाल की जाए, क्योंकि हमारे गाँव में स्कूल, तालाब, सामुदायिक भवन बनाया जाना चाहिए, यहाँ इसका अभाव है, लेकिन सरकार वहाँ बीजेपी कार्यालय और ग्रुप हाउसिंग बनाना चाहती है। ग्रामीणों का कहना है कि इसका हम पूर्ण जोर विरोध करेंगे, जिसको लेकर आज महापंचायत बुलाई गई है, आगे की रणनीति बनाई गई है। सरकार ने बात नहीं मानी तो 2 जुलाई को बड़ा आंदोलन होगा। एक सामूहिक ऐसी पंचायत जो हमारे सिलोखरा गांव के अंदर 12 एकड़ जो जमीन है पंचायत, जिसके अंदर एक तालाब था और वहाँ पे एक पीर बाबा की मजार है, वो गाँव की पंचायती जमीन है जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना कार्यालय बनाने की एक सोच रखती है और वहाँ पे ग्रुप हाउसिंग कर रही है, जिसके अंदर एमएलए फ्लैट या उन एमपी फ्लैट बनाए जा सकते हैं। पर सिलोखरा गांव इसका हर तरह से पुरजोर विरोध करता है, पर जहाँ बीजेपी अपना कार्यालय बनाना चाहती है उसी के ऊपर 360 गांव की पंचायत 2 जुलाई को होगी, जिसके अंदर ये साफ साफ फैसला लिया दिया जाएगा कि किसी भी स्तर पर हम बीजेपी की यहाँ पे ऑफिस नहीं बनने देंगे, उनको ये अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा। इसके लिए इस गांव के नौजवानों को चाहे भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन जाहिर करना पड़े, हम सरकार के सामने हर तरह से डटकर खड़े रहेंगे। आज ये निर्णय लिया गया है कि ये जितनी भी 14-15 एकड़ जमीन गांव की सामलात है, ये सरकार ने वापस दी जाए, क्योंकि पुश्तैनी जमीन है और गांव की है और ये जब तक नहीं छुटेगी ये जो लड़ाई है ये जारी रहेगी और हक भी गाँव का पड़ता है, क्योंकि गाँव और छोड़ कर इस पर विकास किया जाए, डेवलप किया जाए, सीवर पानी और गांव के हित में जो गांव चाहे ना, स्कूल और भाई मंदिर जोहोड़, गांव से पूछकर इस पर चीज़ बने।